ओके सो गुड इवनिंग टू इच एंड एवरी वन ऑफ यू आई होप सो यू कैन ऑल हियर मी प्रॉपरली सभी को आवाज आ रही होगी थोड़ी देर में हम स्टार्ट करते हमारा सेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वॉर्म वेलकम टू इच एंड एवरी वन ऑफ यू और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इट इज अर्धावे दट इज माइग्रेन। अब आज ये जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं या जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये एक बहुत छोटा पार्ट है पूरा का पूरा माइग्रेन जो हम एक तरह से अगर आयुर्वेदिक माइग्रेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट अगर ये सब सीखना है तो एक छोटा सा पार्ट है छोटा सा पार्ट यानी कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि कौन सी ऐसी विशेष संप्राप्ति होती है या कौन सी ऐसी संप्राप्ति है कि जिससे माइग्रेन हेडेक बना होता है और जहां हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या मेडिसिन थोड़ी सी अलग देनी पड़ती है कभी कभी हमें जो है माइग्रेन का जैसे हमने बताया कि हमें हेतु मिल जाता है कोई कॉज मिल जाता है और कभी कभी हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता लेकिन अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कॉज मिले तो हम उसका एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं और दूसरा ये अर्धा और बेट और मैंने लाइफ स्टाइल क्यों थोड़ा सिलेक्ट किया इसलिए क्योंकि ये लाइफ स्टाइल जो है थोड़ा सा इफेक्ट करती है इनफैक्ट ऐसा है कि आप ऐसा मान के चलिए कि जब भी हम लोग किसी माइग्रेन की ट्रीटमेंट करते हैं अगर आपको ऐसा लगता हो कि आप एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चालू कर दो और तुरंत ठीक हो जाएगा नहीं किसी भी माइग्रेन ट्रीटमेंट करते समय या किसी पेशेंट को आयुर्वेदिक माइग्रेन अप्रोच करते समय या माइग्रेन ट्रीटमेंट अगर किसी को करना है तो आपको खाली लाइफ नहीं आपको डाइट लाइफ फिर एक स्ट्रेस यानी कि माइंड और फिजिकली और फिर मेडिसिन यानी कि हम इसे फायर रूल ट्रीटमेंट कहते हैं कि आयुर्वेद के अंदर हर जगह जो है आप, आप स्पॉट स्पॉट पे देखोगे तो इसका ट्रीटमेंट आया हुआ है रीजन ये क्यों आयुर्वेदाचार्य या आयुर्वेद ग्रंथ के अंदर ऐसे अलग अलग हेतु या अलग अलग एक्सपेक्ट पे काम करने के लिए कहा गया है उसमें से हमारा जो टॉपिक टौप, है आज का वो खाली लाइफ स्टाइल कि कैसे अगर आप किसी को माइग्रेन ट्रीटमेंट दे रहे और वो काम नहीं कर रहा है तो या तो आपके डाइट में अभी भी कुछ प्रॉब्लम है और या तो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो आज हम बात करेंगे लाइफ के ऊपर सी के पहले हम ये दे, देखते हैं कि अर्धा और बेटक के अंदर बेसिकली एक छोटी सी संप्राप्ति क्या होती है सी इसको एकदम सिंपल फॉर्म में करते हैं कि किसी को भी माइग्रेनियस हेडेक अगर कंटिन्यूस बिल्ड हो रहा है जैसे मॉडर्न के अंदर अभी हमें भी नहीं पता कि ऑल ऑफ सडन क्यों वेस्कुलर हेडेक स्टार्ट होते हैं क्यों उसके अंदर जो है बहुत सारे न्यूरल डिस्चार्ज स्टार्ट होते हैं कैसे ये स्प्रेड होता है कैसे ये छह सात सात घंटा तक होता है लेकिन जब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमें एक संख्या संप्राप्ति बनानी पड़ती है संख्या संप्राप्ति बहुत ही सिंपल है बहुत ही सिंपल यानी कि आप चरक संहिता सुश्रुत संहिता वागभ संहिता ब्रोत या लघु तय कहीं भी उठा के देखो नाम का तो भले डिफरेंस आता हो लेकिन संप्राप्ति कभी बदलती नहीं है संप्राप्ति क्या है संप्राप्ति ये है कि अर्धावा भेदक यानी माइग्रेन या जो माइग्रेनियस हेडेक है इसका प्लेस जो है यह सिर यानी कि हेड एक ज्यादा होती है इस हेडेक के अंदर जो एक गामित्व है यानी कि एक जो संप्राप्ति स्टार्ट होती है वो हमेशा सिरा के अंदर होता है यहाँ सीरा जो है एक तरह सा वाहिनी है और जिसको हम लोग रक्त व श्रोता भी कंपेयर कर सकते हैं यानी क्योंकि रक्त के अंदर वहन होने वाला जो रक्त है यही है जो दोष को सिर के अंदर लेके जाता है यानी कि माइग्रेन का अगर कोई भी संख्या संप्राप्ति बिल्ड होती है तो वो भले शरीर के किसी भी भाग में हो भले वो शारीरिक हो या मानसिक हो लेकिन उसका जो गामित्व होता है यानी उसके अंदर जो पैथोलॉजी बिल्ड होती है वो हमेशा सिरा मार्ग अब देखो सिरा मार्ग में होता क्या है अगर किसी को माइग्रेनस हेड स्टार्ट होना है तो उसकी खाली दो ही संप्राप्ति होती है अफकोर्स विशेष कुछ कुछ एक रेयर में और भी संप्राप्ति बनती है लेकिन एक संप्राप्ति है कि ये जो सिर है यानी ये जो मज्जा है यहाँ जो तर्पण कफ है ये तर्पक कफ अगर किसी कारण से कम हो जाए तो वो पर्सन जो है माइग्रेनस हेडेक के लाइबल होता है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है यानी कि आप अर्धाव भेदक और माइग्रेन के बारे में बात कर रहे हैं और तर्पक कफ की बिल्कुल भी सोच नहीं रहे उसकी चिकित्सा नहीं कर रहे तो ये पर्सन जो है कंटिन्यूअस माइग्रेन हेडेक के पेशेंट हमारे पास ये इसी ये हेतु से भी आ सकते हैं तो यानी कि जो ये वर्ड मैंने कफ क्षय लिखा हुआ है ये कफ क्षय जो है ये तर्पक कफ क्षय है यानी कि आपका जो लाइफ स्टाइल है इतना पुअर है इतना पुअर है कि तर्पक कफ जो है ये आपके मज्जा को जो है बल ही नहीं दे पा रहा है और जहां बल नहीं दे पाएगा जहां वायु प्रकोप होगा वहां बार बार एक तरह से हेडेक की संप्राप्ति बनती रहेगी दूसरी संप्राप्ति होती है अवरोधात्मक संप्राप्ति यानी पहला हमने जो देखा वो है धातु क्षय वाली संप्राप्ति दूसरा है अवरोधात्मक अवरोधा, अवरोधात्मक संप्राप्ति के अंदर आप देखोगे मैंने दो वर्ड लिखा हुआ है एक कि आहार विहार ही एकदम कफ करो बहुत ज्यादा कफ हो और वो सिरा के अंदर अवरोध करे और वहां जो अवरोधित वात है वो माइग्रेन करे या कि आपका हेतु में जो है शीत गुण प्रधान हो यानी कि जो है शीत विहार होता हो और उसके कारण जो वायु और पित्त दोनों बढ़ते और उससे भी माइग्रेन होता है यानी अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो माइग्रेनियस हेडेक खाली तीन संप्राप्ति से होती है एक शीत गुण से दूसरा कफ के अवरोध से और तीसरा कफ के क्षय से अभी ये मैं वर्ड इस तरह से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रीटमेंट करते समय आप तीनों का विचार करना पड़ता है अब ये देखते हैं कि क्या ये जो चीज हम बात कर रहे हैं या चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमें कहीं श्लोक में मिलते भी है कि नहीं और इसके ट्रीटमेंट भी होते है नहीं। तो हम देखते हैं एक रेफरेंस के लिए कि पूरा रेफरेंस न उठा के मैंने चरक सिद्धिस्थान अध्याय नौ श्लोक नंबर सेवेंटी फोर से लेके सेवेंटी नाइन तक भी है लेकिन मैंने जानबूझ के खाली जो है तीन ही श्लोक पिकअप किया श्लोक में देखो क्या लिखा है कि आपको माइग्रेन से रिलेटेड जितनी भी साइन एंड सिम्टम आप पढ़ते हैं हैं जितने भी आपको हेतु मिलते सब के सब इस बस चार लाइन के अंदर आके फिट हो जाते हैं यानी कि आप भले कितना भी और भी और संहिता के अंदर पढ़े पर चरक संहिता सिद्धि स्थान के अंदर जो एक माइग्रेन से अर्धावा भेदक दिया हुआ है बहुत ही क्लियर कट है मेरा मानना ऐसा है कि इवन ट्रीटमेंट तो उससे भी ज्यादा क्लियर कट है यही रीजन है कि जो एक तरह से जब आप उसका ट्रीटमेंट पढेंगे तो फिर हम देखेंगे क्यों ये जो चार पांच श्लोक के अंदर ही बहुत सारा एक ऐसा कहे कि ज्ञान हमें मिलता है कि हमें एक माइग्रेनस हेडेक को आयुर्वेदिक में किस किस एंगल से देखना चाहिए उसमें से अगर आप देखोगे तो रेड मार्क से या रेड जो है बोर्ड से मैंने हाईलाइट दो वर्ड किया हुआ है कि संहिताकार यानी चरक आचार्य कहते हैं कि कुपितो अनिल यानी कि या तो अनिल अलग से कुपित हो केवल यानी कि केवल अनिल या कफ हो तो कूपी तो अनिल केवल सको वर्धित यानी कि माइग्रेन जो आपका अर्धा भेदक है इसकी संप्राप्ति या तो वायु अकेला करता है या कफ के साथ करता है और जैसे मैंने पहले भी बताया धातु क्षय है तो केवल वात जहां तर्पक कफ बहुत ही ज्यादा क्षय होते और ये पेशेंट बार 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 इनको के एपिसोड आता है और दूसरा है कि जो कफ के साथ यानि ये अवरोधात्मक संप्राप्ति यानी कि इस श्लोक को जितना आप डिटेल में पढ़ने जाओ जितना आप समझने चाहो उतना ही बहुत बड़ा वास्ट है बहुत बड़ा है अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते कि पहला जो हेतु है कि पूर्ववात सेवन और आवश्य सेवन ये बहुत सारे लोग जो है आवश्य सेवन वर्ड जो है वर्ड को हटा देते यानी कि इस श्लोक के अंदर आप देखोगे तो लिखा है कि रुक्ष अश्नात यानी कि जो रुक्ष आहार है तो आज हमारा आहार का टॉपिक नहीं तो हम इसके ऊपर फिर कभी डिस्कस करेंगे लेकिन दूसरा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है अर्धाव वेदक का वो है पूर्ववाद आवश्य मैथुना तो पूर्ववाद बेसिकली यहाँ रेफरेंस किसका दिया है पूर्ववाद बोल के हम बोल सकते हैं कि दक्षिण दिशा की जो हवा है उसमें शीत गुण ज्यादा होता है इसके कारण माइग्रेन होता है जो हमको ठंडी में देखने मिलता है लेकिन आजकल के काल में क्या हो रहा है आजकल के काल में हम लोग को दक्षिण हवा की जरूरत नहीं है इसकी जो खाना पूर्ति कर रही है वो हमारी एसी और कूलर है यानी एसी कूलर से निकलने वाली जो वायु है वो बहुत ही शीत गुणात्मक है और देखो वर्ड कैसे लिखा हुआ है कि पूर्व वात अगर सेवन करे यानी कि भले वो देश किसी दिशा में वायु बढ़ता हो या भले आप किसी एसी के नीचे बेड के ऊपर से फैन एकदम ऑन करके तेजी से करके आप बैठे हो तो ये जो दो गुण है यानी कि ये जो दो गुण है ये हमेशा संख्या संप्राप्ति बनाते हैं इसमें ना एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूं कोई लोग कहता है कि हमको जो है एसी या कूलर से हमें हेडेक स्टार्ट होता है मुझे साइनस हेडेक है लेकिन जिसको एसी और कूलर से खाली हेडेक स्टार्ट होता है उसमें ही खाली माइग्रेन की संप्राप्ति नहीं बन सकती जो 24 घंटे के अंदर 12-12, 13-13 घंटा एसी के नीचे बैठा है एसी के अंदर बैठा है जो एसी के साथ तेज हवा का चालू करके अति सेवन कर रहा है ये सब लोग जो है इस हेतु के अंदर आके बैठते हैं यानी संहिताकार कहते हैं कि अगर पूर्व पूर्ववात सेवन यानी कि कोई अगर एसी का सेवन या कूलर का सेवन खास करके पास में बैठ के ज्यादा कर रहा है और ये किसी एक अन्य ऋतु में कर रहा है ग्रीष्म ऋतु के अंदर ये थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है उष्णता ज्यादा होता है तो ये शीत गुण ग्रीष्म ऋतु में उतने मारक नहीं होते लेकिन ग्रीष्म ऋतु को छोड़ के बाकी किसी भी ऋतु में जो ए या कूलर के अंदर बैठता है इसमें हमेशा याद रखना कि इनके अंदर शीत गुणात्मक संप्राप्ति बैठती है अब आहार के अंदर शीत गुण आ जाए और दोनों मिल जाए बस एकदम ट्रमेंडस हेडेक स्टार्ट करते और ये हेडेक का ट्रीटमेंट ही शीत गुण का चिकित्सा है यानी ऐसे हेडेक्स के अंदर जो हमारी ट्रीटमेंट होती है वो बहुत उष्ण गुणात्मक होते हैं। यानी कभी कभी आप सोचोगे कि इसके अंदर काम करेगा तो क्या करेगा तो ये शीत गुण के अंदर जो हम सूर्य वज्र रस का उपयोग करते हैं ये शीत गुण है जिसके अंदर हम का प्रयोग करते हैं आप जब भी देखोगे अर्धा की चिकित्सा हमेशा जो है स्नेह से चालू की है तो ये सेम सेम टू उसी के इसमें ज्यादा काम आते हैं इसमें लघु मालिनी वसंत जैसे कल्प ज्यादा काम आते हैं वो कल्प जो शीत गुण को कम कर सके तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यानी कि माइग्रेन के अंदर ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जिनके अंदर चौसठ प्रहरी पिंपली काम करे त्रिकटू काम करे दस काम करे पिंपली आसो काम करे वो ये लोग है जो एसी के अंदर डायरेक्ट सेवन करते हैं और इनको माइग्रेन घंटा आठ आठ घंटा एक एक दो दिन दिन तक बना रहता है तो ये है पहला हेतु दूसरा हेतु जो चरक आचार्य ने कहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट हेतु है, है और खास करके समर जो जिस तरह से टेम्परेचर हाई होना स्टार्ट हुआ है इवन अभी भी आप देखोगे तो आप Uh, मान के देखो कि टेम्परेचर कितना है तो आपको पता चलेगा कि अभी भी थर्टी डिग्री सेल्सियस आसपास नाइट में तो इसमें क्या होता है आतव सेवन यानी कि अगर किसी को जो है उष्ण ऋतु के अंदर यानी कि उष्ण सन एक्सपोजर हो तो उष्णता यानी सन एक ही चीज है कि वो आपके शरीर के अंदर जो है उष्णता बढ़ाएगा कैसे कफ को क्षय करके संहिताकार जो कहते हैं कि आतप सेवन आप अगर करें या ग्रीष्म ऋतु में बाहर निकले तो आपके आहार के अंदर प्रॉपर घृत होना चाहिए प्रॉपर दुग्ध होना चाहिए ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया कि समर ऋतु के अंदर ग्रुथ और दुग्ध का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ऋतु के अंदर रुक्षता इतनी ज्यादा है बल इतना क्षय है कि इसके अंदर शरीर के अंदर धातु क्षय होता ही है आप ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर नोटिस करो कि ये जब से हीट स्टार्ट हुआ है कैसे कितने सारे पेशेंट है जो आपको मिलते हैं कि जिसको बॉडी एक पूरा दिन बना रहता है जिसको हेड एक पूरा दिन बना रहता है जिसको स्लीप बरोबर नहीं लगती सोने के बाद भी फ्रेशनेस नहीं लगता फ्रेशनेस इवन मतलब कि पूरा दिन टायर्डनेस फील होता है हर काम में क्योंकि उष्णता ये जो गुण है ये शरीर के अंदर जो स्नेह है यानी कि जो आर्द्रता है बहुत जल्दी कम करती है तो आतम सेवन करने वाला आदमी धूप में काम करने वाला आदमी धूप में जो है मेहनत करने वाला आदमी अगर किसी भी तरह से स्नेह का सेवन न करे यानी कि जो स्नेह बिल्कुल भी ना ले उनको ये जो उष्णता पित्त है बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट ये है कि अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई सन इंड्यूस माइग्रेन हेडेक मिले और जो बहुत कॉमन है मोस्ट कॉमन कॉज जो अगर माइग्रेन uh, में देखे तो हम कहते हैं कि इसको ये ट्रिगर फैक्टर है तो अगर मुझे कोई ऐसा पेशेंट मिल जाए कि जिसको हीट बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होती जो बिल्कुल भी धूप में जाने के बाद जिसको हेडेक जैसा फील होता है या धूप में जाके आने के बाद हेडेक बिल्ड होता है और रात भर पूरा हेडेक होते रहता है तो ऐसे लोगों की चिकित्सा हमेशा घृत हमें पान से चालू करनी चाहिए हमेशा घृत पान देनी चाहिए और जो वो आसो अरिष्ट का यूज करना चाहिए जो पित्तता शामक है यानी उष्णता शामक है जैसे सारीवाद्य आस हो या उशिरास हो या चंदनाशा हो ऐसे आसो अरिष्ट का घृत पान के साथ उपयोग करना और फिर आपको जो भी है जो ऐड करना वो इम्पोर्टेंट पड़ जाता है यानी इसके अंदर में वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकता जो शीत के अंदर कर रहा हूं हमेशा जो संप्राप्ति है माइग्रेनस हेडेक के अंदर ये आपको कभी कभी पेशेंट की हिस्ट्री लेके जो है आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बदलना पड़ता है तो ये है दूसरा हेतु तो जो आत सेवन ये मेरा फिर से नहीं है श्लोक जो है चरक संहिता के अंदर से सेम अर्धे से उठाया ये पहली बार इले जो मैं हर बार जो है इमेजिनरी समझाता हूँ पहली बार इसको मैंने थोड़ा बनाने की कोशिश की थोड़ा और इम्प्रूवमेंट चाहिए वो है अति मैथुन जैसे मैं हर बार बोलता हूँ मैथुन को बहुत ज्यादा ही हम लोग लाइटली लेते हैं या शायद ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर बोलने से हम लोग भी शर्माते थे बट बात यह है कि अति मैथुन कफ क्षय और रुक्ष वात वृद्धि इन लोगों को भी माइग्रेनस हेडेक होता है कैसे इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहो जो मैं हर बार बोलता हूं कि इसको थ्री लेवल पे हमेशा देखो कि जब भी आप शुक्र की बात करते हो तो आपका जो सहस्त्र है यानी आपका जो मज्जा है आपका जो ब्रेन के अंदर जो ये तर्पक कफ है इसका जो कार्य शैली है या इसका जो बल है ये डिपेंड होता है कि आपके शरीर के अंदर कितना सर्वांग सूक्ष्म शुक्र बल है यानी कि बेसर आप अगर ये दूसरा वर्ड को सर्वांग सूक्ष्म शुक्र को आप बल बोलो ओझ बोलो या जो भी आपको बोलना है स्नेह बोलो यही जो शरीर है ये सहस्त्र के अंदर कफ को तर्पण देता है यानी तर्पक कफ को बल देने का काम जो है सूक्ष्म शुक्र जो शरीर भर आश्रित है वो करते हैं और इनको बल देता है स्थूल शुक्र यानी कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर अगर इस सीजन के अंदर जो एक्सेसिव सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है वो खुद ही देखिए कि पेशेंट सुबह आके बोलता है कि नहीं एकदम सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद जो सेकेंड एक दो दिन तक है बॉडी एक बहुत ज्यादा बना रहता है अब ऐसा नहीं है कि उसमें बॉडी एक जो है किसी ऑकवर्ड पोजिशन है इसके कारण होता हो बट ये सीजन के अंदर बहुत क्वाइट कॉमन है इसीलिए संहिताकारों ने इस सीजन को बहुत ही जो है जो है बिल्कुल भी इंडिकेट किया है इंटो को रीजन कि इस ऋतु के अंदर ग्रीष्म ऋतु के अंदर बल बहुत ही क्षय रहती है पर इस सीजन को छोड़ के बाकी सीजन में अति मैथुन उतना फैक्टर इफेक्ट नहीं करता लेकिन यहाँ स्लाइड में डालने का रीजन ये है कि खास करके ग्रीष्म ऋतु में अभी के काल में हमारे पास अगर कोई हेडेक के पेशेंट आता है खास करके आप देखोगे कि करंटली जिसको माइग्रेनस हेडेक जो है वीकली वंस या मंथली वंस आता उसकी भी फ्रिक्वेंसी ट्वाइस और थ्राइस बढ़ी तो ऐसे सीजन में हम मैथुन रोक सकते हैं कि नहीं ये तो हमें पता नहीं या ये उतना शायद साउंड नहीं लगेगा भले हम संप्राप्ति में बात करते हैं लेकिन इस पेशेंट को तो पूरा का पूरा पान ही देना चाहिए इस पेशेंट के जो चिकित्सा है वो खाली घुत होना चाहिए यानी कि आप इसके अंदर भले दस मूल या जिसको सन माइग्रेन ज्यादा हो इनमी को जो दाड़ीमादी ग्रुत शतावरी घृत अश्वगंधा घृत ऐसे बल्य ग्रुत जो है जो मैथुन को मतलब शुक्र धातु को बढ़ाता हो शरीर को बल देता हो वही जो है शस्त्र के अंदर तरपक कफ को बल देके आपके माइग्रेनस हेडेक को कम कर सकता है और यह संप्राप्ति इस सीजन में तो बहुत कॉमन है बाकी सीजन में तो शायद मैं उतना डिस्कस नहीं करूं बहुत रेयर मिलते हैं बट ये सीजन में तो ये बहुत फैक्टर काम करता है तो इसलिए इस सीजन में यानी कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर आने वाले अभी जो करंटली मुझे ऐसा लगता है कि जो टेन में से घृत पान की जो फ्रिक्वेंसी है वो टेन में से सेवन परसेंट की है मतलब इतना कॉमन है तो आपको हमेशा जो ट्रीटमेंट किया करना चाहिए माइग्रेन का वो हमेशा एक विशेष संप्राप्ति अगर आपके पकड़ में आए तो करना चाहिए जैसे ये वर्षा ऋतु सॉरी ग्रीष्म ऋतु के अंदर ये संप्राप्ति का जो इंपॉर्टेंस है वो कहीं आपको नहीं मिलेगा यानी रुक्ष आहार ठीक है वो भी है लेकिन घृत पान दुग्ध पान करो उतना इफेक्ट नहीं करेगा यानी कि इस ऋतु में आने वाला जो भी सिम्टम्स है जो भी बॉडी के जो भी हेड है और खास करके जो सीवियर माइग्रेन है जिसके ऊपर अभी भी हम लोग जो पेन किलर के पीछे पड़े हुए हैं वो आपका खाली पान से जाएगा नेक्स्ट है आयास सेम से जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक्सेसिव वर्क करना अब ये ग्रीष्म ऋतु में जो है संहिताकारों ने कहा है कि अर्ध शक्ति व्यायाम करनी चाहिए रीजन क्यों रीजन यही है कि शरीर के अंदर कफ पहले से क्षय है तर कफ अगर क्षय होगा तो माइग्रेनियस एपिसोड ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी हेडेक ज्यादा होगा इसलिए आयास यानी फटी चीज को हमको रोकना है अब इसमें मैं ये दूसरा चीज बताता हूं कि जब भी हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं और हमें पता है कि मुझे बाकी सब में मिला जैसे मुझे ग्रीष्म ऋतु तो मिल जाए इसके अंदर पेशेंट एक्सेसिव काम कर रहा है हीट में ज्यादा काम कर रहा है थकान ज्यादा है बॉडी एक ज्यादा है स्लीप डिस्टर्बेंस है अगर ये सब फैक्टर मुझे एक साथ मिलते हैं तो संप्राप्ति में क्या होगा स्नेक्षय रुक्ष वात वृद्धि तो हेडेक माइग्रेनस संहिताकारों ने पहले ही बता दिया है केवल वात वृद्धि करेगा और तभी करेगा जब उसके अंदर जो है कफ का शय होगा तो आप कफ के शय के ऊपर काम करो आप खाली वायु के पीछे मत पड़ो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि माइग्रेनस हेडेक के अंदर इसको पकड़ो कि माइग्रेनस के हेडेक के अंदर जो सीवियर वात आ रही है या वायु के जो हेडेक्स वाले सिम्टम्स बने हुए हैं ये खाली अकेले आ रही है कि जो बाकी किसी और के साथ आ रही है दूसरी बात ये है कि एग्जर्शन के अंदर हमें चिकित्सा क्या करनी चाहिए अगर आपके पास पेशेंट पहले से कोई है फिजिकल एग्जर्शन के का, उसको हिस्ट्री है और से सीवियर हो रहा है तो यानी कि आपका जो संप्राप्ति है वो क्लियर कट स्नेक शय का है अब ऐसे कंडीशन के अंदर आपको ऐसा भी मिल सकता है कि ये लोग को बिल्कुल भी भूख ना लगती हो बिल्कुल भी हेपिटाइट इम्प्रॉपर हो फिर भी घृतपान कराना चाहिए क्यों घुतपान कराना चाहिए सॉरी <coughs> क्योंकि घ्रुतपान जो है ये अग्निवर्धन होता है शमन मात्रा में हम जो घुतपान यूज इसके अंदर करने के लिए बोल रहे हैं ये हार्डली टेन टू ट्वेंटी एम एल ट्वाइस अ डे मतलब कितना ज्यादा से ज्यादा बीस एम एल फोर्टी एम एल पर डे कुछ भी नहीं है शमन मात्रा के डोज से भी हम लोग कम है यानी कि दुग्ध के साथ घुत पान कराना इस सीजन के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट होता है ये वन ऑफ द बेस्ट चिकित्सा होती है तो आप माइग्रेनस आपके पेशेंट के अंदर जो इस सीजन के अंदर केवल वात जो है संप्राप्ति ले हुए आपके पास आता है उसके अंदर आप घुतपान नस्य और बस्ती के बारे में सोच सकते हैं ये सीजन के अंदर यही दो तीन चीजें काम आती है आशो वरिष्ठ की बात करें तो आशो वरिष्ठ बहुत ही सिलेक्टिव हो जाते हैं इसके अंदर खास करके ग्रीष्म ऋतु के अंदर और पत्थी पत्थनवटी ये सब आप इसके साथ शीर्षुलदि वज्र रस सुशेखर रस काम दुधा ये सब इस कंडीशन के अंदर यूज़ कर सकते हो लेकिन याद रखना कि एंड ये आयास या फटीक या आपका काम दुदा नहीं कम करने वाले ये आपको कोई बल्यकल्प ही करेगा यहाँ थोड़ा एक और डिफरेंस ऐसा आ सकता है कि मे बी ध्रुद की जगह यहाँ आप एक तरह से औलेहे का उपयोग करो यानी कि ऐसे सीजन के अंदर कुश्मांड अवले का उपयोग करो ऐसे सीजन के अंदर आप जो है Uh, uh, कोई और भी अवले का उपयोग कर सकते हो जो आपको ऐसा लगे थोड़े बल्य संप्राप्ति वाला हो, बल्ले अवले अश्वगंधा पाक हो तो ये ये आपको ये समझना है कि ये जो मस्कुलर पेन वाले आते हैं जो टायर्डनेस वाले आते हैं मेंटल फटीक वाले आते हैं इसमें आप अश्वगंधा जैसे कल्प दोनों वा, मतलब वात के लिए यानी माइग्रेन और बॉडी एक दोनों में वो काम कर सकता है तो आयास फटीक ये जो एक है ये केवल वाद के कारण भी हो सकता है अब इसमें एक खाली डिफरेंस और मैं बताना चाहता हूं कि समझो कोई पेशेंट कफज प्रकृति वाला है है और अगर उसका जो है अग्नि मंद है तो उसके अंदर आप थोड़ा सा आम पाचन करके फिर घुत पान चालू कर सकते हो फिर भी आपको इफेक्ट मिलेगा तो ये रीजन है कि आप इसके अंदर भी जो है चिकित्सा आप आयास का कर सकते हैं दीवा स्वाप ये कॉज है दीवा स्वाप से एकदम सिंपल समझो कि डे में जो स्लीप करेगा उसके अंदर शाम कफ वृद्धि होगी और ये अवरोधात्मक माइग्रेनेस हेडेक की संप्राप्ति बनती है यानी वो पर्सन जो कपत प्रकृति वाले हो और वो दिन में सोते हो और खास करके खा के तुरंत सो जाते हो इनके अंदर भी माइग्रेनेस हेडेक की फ्रिक्वेंसी ज्यादा बनती है ये इसका जो अपवाद है वो ग्रीष्म ऋतु इस सीजन के अंदर आप जितना दिन में सो आपकी बॉडी उतनी एनर्जी रिकवर करती है बिकॉज uh, आप खुद देखोगे कि आप दिन में तो आपको भर भर की नींद आएगी जब से टेम्परेचर

सॉरी ताम्रकल्प जैसे काफ दे क्यों क्योंकि कफज संप्राप्ति वाली है, साम कफ की संप्राप्ति है। आरोग्य जैसे कल्प इसी के ऊपर काम करते और इन लोगों को हमेशा डाइजेशन इश्यू होता है जो दिन में दिवा करता है इसको हमेशा डाइजेशन इश्यू होता है हमेशा जो है जो है कफ की संप्राप्ति बनी रहती है इसलिए ये माइग्रेन सेडिक जो है ये साम कफ अवरोधात्मक वात वृद्धि के कारण है तो इसमें आप नस् वगैरह चिकित्सा कर सकते हैं बट मेन है आरोग्य जैसे कल्प सुखर जैसे कल्प अरिष्ट ये सब ज्यादा काम करते हैं घृत थोड़ा कम काम करता है लेकिन सामता जाने के बाद यहाँ भी आप घुत ऋतु के अनुसार दे सकते हैं ये ये जो है आज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कारण है रात्रि जागरण रात्रि जागरण से क्लियर कट कफ क्षय तर्पक कफ क्षय और इसमें होने वाला पित्त और वात दोनों का संप्राप्ति बनता है यानी इनको जो है सन माइग्रेन भी हो सकता है इनको जो है किसी धूप से भी चालू हो सकता है किसी गर्म चीज से भी से ट्रिगर हो सकता है और केवल वात यानी कि शीत गुण से भी ज्यादा हो सकता है ये रात्रि जागरण किसी भी हेड के लिए वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशन है यानी ये इतनी प्रबल संप्राप्ति होती है क्योंकि देखो रात्रि जागरण से क्या होता है एक कफ का तो पहले ही क्षय हुआ रहता है पहले दूसरी बात माइग्रेनेस की संप्राप्ति बनी हुई है और आप पेशेंट अगर बिल्कुल भी न सोए आपके माइग्रेन पेशेंट तो ये जो संप्राप्ति होती है बहुत पावरफुल हो जाती है इसलिए मेरा हमेशा ऐसा मानना रहता है कि माइग्रेनस संप्राप्ति या माइग्रेनस हेडेक को जब आप ट्रीट करते हो तो पहला मेरा जो रूल है या पहला मेरा जो कॉन्सेप्ट है कि पेशेंट का ना स्लीप प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि देखो अगर आपके माइग्रेनस पेशेंट के अंदर आपके पेशेंट का स्लीप अगर इम्प्रॉपर है या उसको साउंड स्लीप नहीं मिलता है तो वो मे भी आप कुछ मेडिसिन दो वो उतना वर्क नहीं करेगा या बिल्कुल भी नहीं काम करेगा क्योंकि यही एक ऐसा टाइम है या एक ऐसा है कि जिसमें तर्पक कफ का जो है बल मिलता है पूरे शरीर के अंदर जो है जो भी क्षय हुआ है जो भी पूरे शरीर पूरे दिन में जो है एक तरह से वायु की रुक्षता है वो एक भरी जाती है तो अगर आपका माइग्रेनस पेशेंट रात्रि जागरण करता हो रात रात भर दो दो तीन तीन बजे तक जाग के पढ़ता हो या कुछ और काम करता हो तो इनकी जो चिकित्सा हमेशा घ्रुतपान और दुग्ध पान से करनी चाहिए यानी ये ऐसे पेशेंट है कि जिसको बेड टाइम पे हम 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 लोग 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 या जो हम लो निशी काले पान दे हम इसकी चिकित्सा कर सकते और ऑफ कोर्स इस इसके अंदर आपको अगर बद्ध कुष्ठता है तो आप उसकी चिकित्सा करें पर ये जो है मेन पेशेंट ग्रुतपान और ग्रुतपान से यानी अश्वगंधा ग्रुत यूज करने से शतावरी ग्रुत यूज करने से या अश्वगंधा रिष्ट ऐसे कल्प यूज करने से ये लोगों को काफी साउंड स्लिप मिलता है इवन बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि जहां मैं माइग्रेन से ज्यादा जो है इनसोमिया की ट्रीटमेंट करता हूं और वो ट्रीटमेंट करने के बाद पेशेंट का सिक्सटी सेवेंटी परसेंट हेड एक बहुत मतलब फ्रीक्वेंसी तो कम होती है के भी कम हो जाते हैं अफकोर्स उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है उसको रिकवर करने में लेकिन रात्रि जागरण ये बहुत ही ज्यादा ट्रेमेंडस हेतु है लास्ट जो हेतु है लास्ट लाइन में जो कहा है कि असात में इंद्रिया संयोगे ये वो लोग है जो पिछले स्लाइड्स का कंटिन्यूएशन है कि रात को तो जागना लेकिन रात को जागते समय अपने आंखों को पीसी लैपटॉप या कंप्यूटर से एक्सपोज रखना इंद्रिय संयोगी यानी कि जिस काल के अंदर जो अक्षी जैसे जो है इंद्रिय है अव्यय है जिसको बिल्कुल बिल्कुल भी उपयोग न करके बिल्कुल भी लाइट से एक्सपोज न एक्सपोज न करके हमें सो के प्रॉपर जो है एक तरह से साउंड स्लिप लेके हमारे शरीर के अंदर तरपक कफ जो है या पूरे शरीर के जो कफ है उसका प्रॉपर भरना चाहिए या उसका प्रॉपर जो है एक तरह से हम लोग फुलफिल कर सकते हैं या इन डायरेक्टली ऐसा कह रहे हो कि शरीर का जो पूरा बल है जो आहार आता है जैसे हम लोग कहते हैं कि आहार निद्रा और ब्रह्मचर्या आप देखोगे कि ये तीनों पिलर जो है ना ये हेडेक के की संप्राप्ति में भी वही आ रहा है कि प्रॉपर खाना प्रॉपर ब्रह्मचर्य का पालन करना प्रॉपर स्लिप करना ये आपके शरीर के अंदर सिर में आश्रित तर्प कफ को हमेशा बल देते हैं यही इंपॉर्टेंट है कि आपका ये तीनों चीज को एंगल को लेके मैंने ये जो संप्राप्ति या बनाने की कोशिश की है एक तरह से अगर हम लास्ट जो देखे वह है क्षौतु वेग धारण शौतु वेग धारण बहुत सिंपल है सिंपल ये है कि अगर कोई पेशेंट किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है या रनिंग नोज है या मे बी साइनोसाइटिस है और बार 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 वो ऑट्राविन का यूज करता है या राइनोकॉर जैसे कल्प जो अब तो बच्चों के लिए भी आ गया जो बेडोसोनाइट है अभी इसका उपयोग से क्या होता है कि नॉर्मली आप एक बार यूज करो दो बार यूज करो इवन एक दो महीने यूज करो ठीक है पर आप जब इसको सालों साल यूज करना स्टार्ट करते हो आप खुद भी देखोगे कि, कि कुछ दिन के बाद ये ऑल्ट्राविन वगैरह नहीं काम करता है परंतु संहिताकार के अंदर या संहिता के अंदर कहा है कि क्षौतु वेग को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर दोष का शोधन होता है तो इसलिए जो भी कोई साइनोसाइटिस का पेशेंट है वो अगर बार बार किसी स्टेरॉइड का यूज करे ऑट्राविन का यूज करे और अपने स्नीजिंग के एपिसोड को कम करने की कोशिश करे तो ऐसे लोग के अंदर भी माइग्रेनस हेडेक बनता है जिसको हम कभी कभी कहते हैं कि अरे ये तो साइनोसाइटिस हेडेक है नहीं साइनस हेडेक के अंदर बहुत एकदम सिंपल संप्राप्ति होती है कि शीत के एक्सपोज से ही वो ज्यादा करके होता है बट यहां सौतु धारण की संप्राप्ति जो है क्रॉनिक यूज ऑफ ऑट्रावीन या कोई भी बेडोसोनाइट या कोई भी स्टेरॉइड जो नेजल यूज करते हैं ईयर टू ईयर और ये अगर माइग्रेन बिल्ड करते तो इनका जो है हमेशा चिकित्सा वे विधारण यानी कि इनको भी आपको स्नेहपान करा के जो है शोधन नष्ट का बारे में सोचना पड़ता है तो ये कुछ कारण है जो माइग्रेनेस के अंदर काम आते है अब एक रिवाइज करते हम कि जो मैंने बताया क्या कहीं श्लोक के अंदर आ रहा है या आसपास है तो देखो श्लोक में क्या लिखा है कि शनात यानी कि रुक्ष आहार का सेवन करना यानी कि पूर्ववात जो मैंने बताया कि इसको मैंने कंपेयर किया एसी कूलर जो ग्रीष्म ऋतु को छोड़ के बाकी सीजन में यूज करते हैं आवश्म यानी कि मॉइचर जो ये कूलर्स वगैरह के अंदर से आते हैं मैथुन जिसके बारे में डिस्कस किया कि कैसे आपके तर्पक कफ के बल को कम करते वेग अवधारण वेग संधारणात् वेग संधारण तो में जैसे मैंने हमने ऑट्रविन के बारे में बात किया बाद में आयास की जो आयास यानी कि ज्यादा कर्म कर रहे या जो अभी ग्रीष्म ऋतु में है इसके अंदर आपका वायु प्रकोपित हो सकता है तो व्यायाम और और ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे हम जब कभी किसी श्लोक को पढ़ते तो हमें ना ये बहुत बोगस श्लोक लगता है हमें ऐसा लगता है कि अरे संहिताकार ये क्या बोलना चाहते कहाँ वेग विधारण की बात कर रहे हैं धारण की बात कर रहे हैं यहाँ हम लोग बहुत सारे ट्रिगर की बात कर रहे हैं चॉकलेट्स की बात कर रहे हैं या इस, 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 किसी को डिओड मतलब यानी कि किसी को तो आ, क्या बोलते हैं स्प्रे से ही कोई भी स्प्रे हो या इवन बॉडी स्प्रे हो उससे भी जो है माइग्रेनिंग स्टार्ट होते हैं लेकिन ये जो जितने भी बात करते हैं स्मॉल स्मॉल ट्रिगर फैक्टर की बात करें ये बहुत ही जो है पेरी है यानी आयुर्वेद की जो जड़ है या आयुर्वेद के अंदर जो कॉन्सेप्ट है माइग्रेनस या अर्धाओदक हेडेक की संहिताकारों कारण ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस पांच छह के अंदर ही कंप्लेन का मतलब को कम कर दिया यानी इसके अंदर देखो कि एक तब भी हम बात करेंगे जब हम डाइट से रिलेटेड आएंगे तो जो माइग्रेनस हेडेक है फिर से एक कुपित अनिल यानी कि कफ वात प्रकोप से और सक से दो संप्राप्ति ज्यादा होती है कहीं कहीं जो है केवल पित्त से होती है जहां कफ क्षय की संप्राप्ति ज्यादा होती है चिकित्सा इसलिए मैं आपको बताया कि अब आप जब चिकित्सा पढ़ोगे तो वहां चिकित्सा में ज्यादा करके पहला जो है स्नेह कल्पना आया हुआ है अब यहाँ दूसरा कहीं कहीं लोग ऐसा कहते हैं कि अरे ये तो मॉडर्न माइग्रेन के सिम्टम्स से नहीं मिलता क्योंकि मॉडर्न माइग्रेन के जो सिम्टम्स है उसमें हमें जो है विजुअल डिस्टर्बेंस देखने मिलते हैं ऑडियो डिस्टर्बेंस देखने मिलते हैं विजुअल्स जो है ट्रिगर होता है या साउंड से ट्रिगर होता है तो इसी श्लोक को लास्ट में देखो क्या लिखा है कि अर्धा वेदक की जो संप्राप्ति है कि सस्त्रा, वेदक नीचे लिखा है कि नयन व अथवा श्रोतम अति वृद्धि विनाश है कि यही जो दोष है जो आपको हेडेक कर रहे है जो माइग्रेन एसिडिक के अंदर जो है इतना सिर शुल कर रहे है ये अगर और बढ़ जाए और संप्राप्ति बढ़ जाए तो ये नयन और श्रोतस यानी कि आई और ईयर के अंदर वृद्धि ओके विनाश है। मतलब उसका विनाश करना नहीं उसके कर्म को जो है करना चालू करते यानी कि संहिताकारों ने चरक संहिता के अंदर इस चार पांच श्लोक के अंदर जो माइग्रेन विथ ऑरा है या माइग्रेनेस विथ ऑडियो कंप्लेन के साथ आता है ईयर कंप्लेन के साथ आता है या माइग्रेनेस विथ या आई कंप्लेन के साथ है सबको कंपेयर करके फिर चिकित्सा का वर्णन किया गया तो आप एक बार फिर से गो थ्रू कीजिए ये तो मैंने जो है खाली हेतु तो के ऊपर बात करने की कोशिश की मे भी आप जाइए और एक बार उस लोग को और आगे पढ़ने की कोशिश कीजिए जो तो कब फिर कभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी जो माइग्रेनस की ट्रीटमेंट है हम लोग यानी कि माइग्रेनस हेड की, की ट्रीटमेंट है वो किस तरह से करते हैं सो थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड नाइट थैंक यू Thank yeah. you, sir. So.